श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। रविवार के दिन राधाष्टमी है और साथ ही सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं, अगर अष्टमी तिथि के दिन जो कि रविवार को हो रही है, कोई अगर विवाह के लिए, प्रेम विवाह हो या आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं, उनके विवाह में देरी हो रही है, कोई मांगलिक दोष इत्यादि है, तो यह सरल दो कार्यों में से एक भी करते हैं तो बच्चों के विवाह संबंधी परेशानियों का समाधान होता है और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। ऐसे में आप सभी को सबसे पहला उपाय करना है, शिव मंदिर में जाकर विधि विधान से भोले बाबा का पूजन करना है। सबसे पहले किसी भी पूजा में दीपक प्रज्वलित किया जाता है तो आप वो करें, भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक कराएं, निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। अब उपाय कैसे करना है ध्यान से सुनिए। गुरुदेव कहते हैं, अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो यह करें, नहीं तो आप अपने बच्चे का नाम और उसे स्मरण करते हुए, उसका गोत्र स्मरण करते हुए यह कार्य करें। बेलपत्री लेनी है आपको, उसके ऊपर, अब गुरुदेव ने यह तो नहीं बताया कि बेलपत्री की संख्या कितनी होनी चाहिए, परंतु यह गुरुदेव बताते हैं, बेलपत्री के ऊपर लाल चंदन से या पीले चंदन से जो है सात आप सभी को बिंदियाँ बना लेनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, अपने मन की बात कहते हुए महादेव को समर्पित कर लेने हैं। अष्टमी तिथि का होना, सर्वार्थ सिद्ध का योग का होना अपने आप में चमत्कार है। ऐसे में जो यह सरल कार्य कर लेता है, सात बिंदियों वाला बेलपत्री के ऊपर लगाकर महादेव को समर्पित करता है, उसकी तत्काल मनोकामना पूर्ण हो जाती है। पहला उपाय ये करना है। दूसरा उपाय इस तरह से करना है, जैसे कि कल अष्टमी तिथि है, आपके विवाह संबंधी परेशानी आ रही है, तो आप सभी को जिस बच्चे की परेशानी हो या बच्चे के हाथ से कराना है या माता पिता भी कर सकते हैं, एक मिट्टी का कलश लेना है। छोटे से आपने देखा होगा कुम्हार के पास कलश मिल जाते हैं, उस कलश के अंदर आप सभी को एक बेलपत्री रख लेनी है और चावल उसे फुल भर देना है और उसके मुख पर जो है आप सभी को लाल कपड़ा या चुन्नी बांध देनी है लाल रंग की, और माता रानी के मंदिर में जो है अशोक सुंदरी का नाम लेते हुए इसे रख के आ जाना है। बस यह छोटा सा कार्य करना है और बिना बोले करना है। बस यह बात ध्यान रखिए, जैसे कल आप इसे तैयार कर लेंगे, परसों सुबह उठते ही बिना बोले जो है अशोक सुंदरी का स्मरण करते हुए माता रानी का कोई भी मंदिर हो वहाँ पर आप सभी को इसे रख के आना है। गुरुदेव कहते हैं, एक दो महीने के भीतर ही आपके विवाह के योग बनने शुरू हो जाएंगे। साथ ही इसके आप चाहें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के एक मंत्र की माला आप कल जाप कर सकते हैं और महादेव के आगे अपने मन की बात जरूर कहें, महादेव जरूर सुनते हैं। आप मन चाह प्रेम चाहते हैं या अपने बच्चों की विवाह की परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।